हेलो नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, पीटीटी 2024 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट को लेकर जो मैं आपको खास अपडेट दे रहा था उसी अपडेट के अनुरूप रिजल्ट आपका जारी हुआ। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आपके टू ईयर के अंदर आप सभी को 24 अंक हैं वो बोनस के अंदर मिले थे। जैसे किसी विद्यार्थी की 270 प्लस बन रहे थे, प्लस 24 कर दो आप तो कितना हो गया, लगभग वो 300 के नज़दीक जा रहा था। रिजल्ट आपका जारी हो गया है और रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग के क्या प्रोसेस है थोड़ा हिंट दूंगा, एक अलग से वीडियो लेकर आ चुका हूँ। लेकिन अब सबसे पहले अपन बात करेंगे, पीटीटी का रिजल्ट आ चुका है, आपने चेक कर लिया है। अगर नहीं चेक किया है तो पीटीटी की साइट पर जाइए और रिजल्ट चेकआउट आप कर लीजिए, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं कट ऑफ कितनी रहेगी। अगर जनरल कास्ट टू ईयर की बात करें, टू ईयर जनरल और अपन बात करेंगे आर्ट्स की, बात जनरल की, ओबीसी की, एडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की। अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और अगर आपके नंबर बन रहे हैं यहाँ पर 330 प्लस, तो आपको फर्स्ट कॉलेज अलॉट हो जाएगी। अगर मेल 330 है, अगर फीमेल की बात करें तो आप 10 या 5 नंबर कम कर सकते हैं। ओबीसी की मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग आपके अगर 320 प्लस है तो आपको कॉलेज अलॉट आराम से हो जाएगी। ये रिजल्ट आने के बाद की कट ऑफ है। एडब्ल्यूएस अगर आपके 310 प्लस भी नंबर है तो कॉलेज अलॉट आपको हो जाएगी। एससी के अंदर आपके 295 प्लस नंबर और एसटी के अंदर 290 प्लस नंबर है तो आपको फर्स्ट कॉलेज मिल जाएगी। ये तो बात की मैंने आर्ट्स कैटेगरी की। यहाँ पर अगर मैं साइंस की बात करूँ, अगर जनरल कैटेगरी, अगर आपके नंबर जनरल के अंदर 370 प्लस अगर नंबर आ रहे हैं, 370 प्लस कट ऑफ है, वो फर्स्ट लिस्ट की जाने वाली है। साथ में ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 360 प्लस नंबर जाने वाली है। बात करूँ मैं एडब्ल्यूएस की तो एडब्ल्यूएस के अंदर 350 नंबर। एससी एसटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 340 और यहाँ पर 330 प्लस, अगर इतने प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पीटीटी 2024 के अंदर अच्छी कॉलेज अलॉट है, हो सकती है। साथ में अपन प्रिय साथियों बात करें, रिजल्ट आपका 4 बजे जारी हो चुका है। अब देखिए आगे का क्या प्रोसेस होगा। अब आपको रिजल्ट जारी हो गया है, 5 या 4 दिनों के अंदर यह पीटीटी है वो अपना काम जल्दी कर रही है इस बार। क्यों? वर्धमान वाली यूनिवर्सिटी है कोटा ओपन, ये उन्होंने एग्जाम इस बार करवाया है। अब यह 4 या 5 दिनों के अंदर क्या होगा, आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। उसके अंदर अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके 10 कॉलेज अटैच कर दो अच्छे नंबर आ रहे हैं। अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आप अच्छी कॉलेज सेलेक्ट करें, 20 या 25 कॉलेज सेलेक्ट करें और इसके बाद में आप ऑल राजस्थान करें, 4 जिले सेलेक्ट करें, आपको कहीं ना कहीं ऑल राजस्थान में कॉलेज अलॉट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उनसे पहले आपको कौन कौन सी कॉलेज नहीं भरनी है, क्योंकि डोनेशन ज़्यादा लेती है, या फिर बात करें कौन कौन सी कॉलेज है सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं अच्छी नहीं है, वो एक अलग से वीडियो में लेकर आ जाऊंगा आपके साथ में, ये कुछ रहेगी। अब आपको सबसे पहले आपका मूल निवास, मूल के अलावा आपका जाति के अलावा आपकी 3 साल की मार्कशीट, अगर 2 ईयर के अंदर है तो 3 साल की मार्कशीट, 4 ईयर के अंदर है तो 12वीं की और 10वीं की मार्कशीट। 12वीं की मार्कशीट आ चुकी है, अगर नहीं आई है 12वीं की, देखो आ चुकी है, बीए वाली नहीं आई है, तो जैसे मार्कशीट आएगी आपका जो रिजल्ट आएगा बीए का पूरा फाइनल का, उनके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा। तो पीटीटी इतना तो अपना घाटा करेगी नहीं, ये चीज़ हो गई। मार्कशीट, 4 फोटो, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आपका 6 महीने पुराना नहीं चलेगा। अब 6 महीने अगर पुराना जाति प्रमाण पत्र होगा तो आपकी छात्रवृत्ति अटक जाएगी, इस कारण जाति प्रमाण पत्र आपका 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, ये कुछ कर लिए। और 4 ईयर वाले विद्यार्थी अगर आपके नंबर इनसे 20 नंबर कम कर लो, अगर 330 जनरल 2 ईयर के अंदर है तो आप अगर 4 ईयर के अंदर हो तो यहाँ पर 310 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको कॉलेज अलॉट आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। आपके कितने नंबर बन रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथियों, एक पीटीटी 2024 के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसको ज्वाइन करें। अगर आप बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीएसआर स्टडी पॉइंट आपके हर संभव पीटीटी 2023 के तहत आपको हर संभव प्रयास करेगा कि अच्छी से अच्छी और सटीक से सटीक जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको पीटीटी 2024 की इस बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और 78 52 83
3540 ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट जरूर मुझे सेंड करें, कितने नंबर बन रहे हैं, कहाँ से इस वक्त आप जुड़े हैं जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आपको कॉलेज अलॉट कैसे होगी, कितनी कॉलेज आपको बननी है, काउंसलिंग क्या प्रोसेस रहने वाला है, सब काम आपके साथ मैं रहने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते और भी शानदार अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।